हे दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पंजाब के 10 सबसे खतरनाक गैंगस्टर के बारे में बताएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि इसमें से ज्यादातर गैंगस्टर या तो किसी मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं या फिर जेल की सलाखों के पीछे सजा काट रहे हैं। यह लिस्ट इन गैंगस्टरों द्वारा किए गए वारदातों तथा पंजाब में इनकी पॉपुलैरिटी के आधार पर तैयार की गई है। अगर आपको लगता है कि इस लिस्ट में किसी का नाम छूट गया है तो आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम जब कभी भी इस वीडियो का पार्ट 2 बनाएंगे तो आपके द्वारा कमेंट किए गए नामों को जरूर शामिल करेंगे। दोस्तों इस लिस्ट में 10वें नंबर पर नाम आता है गुरमीत सिंह उर्फ कालामन धनौला का। इस पर हत्या के प्रयास और मारपीट के कुल 40 से भी ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। यह नगर कौंसिल धनौला का उप प्रधान भी रह चुका है। अक्टूबर 2012 को पंजाब पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के समय पुलिस को इसके पास से 3 पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस बरामद हुए थे। नवम्बर 2015 को अतिरिक्त सेशन जज की अदालत ने इसे उम्र कैद की सजा सुनाई थी। फिलहाल अब यह होशियारपुर जेल में बंद है और उम्र कैद की सजा काट रहा है। इसके बाद 9वें नंबर पर नाम आता है जसविंदर सिंह रॉकी का। गैंगस्टर से नेता बने पंजाब के जसविंदर सिंह रॉकी ने जुर्म के रास्ते पर चलकर सियासत की सीढ़ी चढ़ी तो जरूर, पर मंजिल मिलने से पहले जिंदगी ने इसका साथ छोड़ दिया था। जिस वक्त रॉकी की गाड़ी पर हमला हुआ उस समय यह शिमला से चंडीगढ़ की ओर जा रहा था। इस हमले में यह बुरी तरह घायल हो गया और बाद में उसकी मौत हो गई थी। दोस्तों आपको बता दें कि इसने 2012 विधानसभा का चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ा था और यह बीजेपी उम्मीदवार से सिर्फ 16 वोटों से पीछे था। यह 2017 विधानसभा का चुनाव भी लड़ना चाहता था। इस बार भी इसकी तैयारी काफी अच्छी थी। इसी वजह से इसके दुश्मनों को लगने लगा कि अगर यह चुनाव जीत गया तो उसके बाद इससे बदला लेना आसान नहीं होगा। इसलिए इसके दुश्मनों ने प्लान बनाकर इसकी गाड़ी पर हमला कर दिया और इसकी हत्या कर दी। यह मूलतः फजिलका का रहने वाला था और 80-90 एकड़ जमीन का मालिक था, पर जवानी की दहलीज पार करते ही यह गलत संगति में पड़कर जुर्म की दुनिया में उतर गया। इस पर 20 से भी ज्यादा आपराधिक मामले चल रहे थे। हालांकि कुछ मामलों में कोर्ट ने इसे बरी कर दिया था। जुर्म की दुनिया में इसकी पहचान खतरनाक गैंगस्टर प्रभजिंदर सिंह डिम्पी के आदमी के तौर पर होने लगी थी। दोस्तों इस लिस्ट में 8वें नंबर पर नाम आता है नीटा डेओल का। इस पर एक दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। यह 2015 में हुए सुखा कालवा हत्याकांड में भी शामिल था, जिसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया था और तब से ही यह नाभा की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद था। नवंबर 2016 को हुए नाभा जेल ब्रेक में यह विकी गोंड और गुरप्रीत सिंह सहित फरार हो गया था। इसके बाद पंजाब पुलिस ने नीटा डेओल की गिरफ्तारी पर 5 लाख रुपए के इनाम की घोषणा कर दी थी। नाभा जेल ब्रेक के बाद से पंजाब पुलिस लगातार इसकी तलाश में लगी हुई थी। जेल से भागने के बाद यह उत्तरांचल, कश्मीर, कर्नाटक और महाराष्ट्र में छिपकर रह चुका था। आखिरकार जनवरी 2017 को इसे इंदौर से गिरफ्तार कर लिया गया। एक सप्ताह तक चले इस ऑपरेशन में एटीएस ने भी इंदौर पुलिस का साथ दिया था। गिरफ्तारी के 12 दिन पहले यह इंदौर आया था और अपने एक साथी के साथ एक किराए के फ्लैट में रह रहा था। पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसकी योजना इंदौर में रहकर किसी ट्रांसपोर्ट का ट्रक चलाने की थी। नीता डेओल पहले भी फरारी के समय ट्रक चला चुका था। फिलहाल अभी यह पंजाब की जेल में सजा काट रहा है। दोस्तों इसके बाद 7वें नंबर पर नाम आता है पंजाब और हरियाणा की सबसे खतरनाक गैंगों में से एक के लीडर लॉरेंस बिश्नोई का। यह स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी नामक संगठन का सदस्य है। यह अपनी गैंग का संचालन अमूमन जेल से ही करता है। कहा जाता है कि यह जेल के अंदर विदेशी सिम काम में लेकर सारे संदेश व्हाट्सएप के जरिए भेजता है। इस पर जोधपुर के एक ट्रेवल एजेंसी के मालिक और डॉक्टर के घर फायरिंग करने का आरोप है। इसके पास लोगों का अच्छा खासा समर्थन है। यह लगभग 7 करोड़ की पुश्तैनी जमीन का मालिक है, पर शान और शौकत में रहना इसे जुर्म की दुनिया में खींच लाया। लॉरेंस बिश्नोई पर 30 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। 17 जनवरी 2015 को किसी मामले में जब इसे पेशी भुगतने के बाद वापस जेल ले जाया जा रहा था तो इसने बड़ी चालाकी से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। अभी हाल में ही इसने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद से यह सुर्खियों में था। फिलहाल अभी यह जोधपुर की जेल में बंद है और जेल में बंद होने के बावजूद इसने अपनी गैंग को सक्रिय रखा है। आपको बता दें कि लॉरेंस सपोर्टर्स की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जो कि स्थानीय प्रशासन के लिए एक चिंता का विषय है। इस लिस्ट में 6वें नंबर पर नाम आता है दविंदर बम्बिया का। यह बेहद सातिर और बेरहम इंसान था। किसी को मारना इसके लिए बाएं हाथ का खेल था। इस पर हत्या के प्रयास और मारपीट के कुल 30 से भी ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। जब यह कॉलेज में था उसी समय गांव में हुए एक लड़के के कत्ल में इसका नाम आ गया और पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया।
वर्ष 2010 में इसी केस के सिलसिले में जब उसे फरीदकोट में पेशे के लिए ले जाया जा रहा था, उसी समय यह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। उसके बाद इसने कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया। सितंबर 2016 को भतिंडा पुलिस को सूचना मिली कि दविंदर बंभिया अपने दो साथियों के साथ फूल के नजदीक एक डाड़ी में छिपा हुआ है। पुलिस ने तुरंत पूरे गांव की घेराबंदी कर दी। यह देखकर दविंदर अपने दोनों साथियों के साथ कार से भागने का प्रयास किया, पर पुलिस ने कार को घेर लिया। इसके बाद दविंदर अपने साथियों के साथ कार से निकलकर भागने लगा। पुलिस ने उन्हें सरेंडर करने को कहा तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें 3 गोली लगने की वजह से दविंदर बंभिया मारा गया था। इसके बाद पांचवें नंबर पर नाम आता है जग्गू भगवानपुर का। इस पर लूट, डकैती और हत्या के कुल 26 से भी ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। स्कूल के दिनों में इसे लोग जसदीप सिंह के नाम से जानते थे, पर जब यह कक्षा 11वीं में आया तो यह जुर्म की दुनिया में उतर गया और फिर चाह कर भी वापस न जा सका। भगवानपुर गाँव से थोड़ी ही दूर एक गाँव ध्यानपुर में हुए एक कत्ल में जग्गू का नाम आ गया। यही केस जुर्म की दुनिया में इसका आधार बना। जुर्म की दुनिया में जग्गू का बॉस गैंगस्टर गुरी था। गुरी अब इस दुनिया में नहीं है। गुरी की वजह से ही जग्गू जुर्म की दुनिया में आया था। 16 जून 2015 की शाम पुलिस नाके पर घात लगाकर जग्गू का इंतजार कर रही थी, पर उस दिन गलती से जग्गू की जगह अकाली दल लीडर मुखजीत सिंह मुक्खा मारा गया था। इस एनकाउंटर के बाद पुलिस ने जग्गू को पकड़ने का अभियान और तेज कर दिया था। आखिरकार इसे बोपाराय गांव से गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल अभी यह पटियाला जेल में बंद है, पर जेल में बंद होने के बावजूद जब भी कोई गैंगवार होता है तो सबसे पहले जग्गू भगवानपुर का ही नाम लिया जाता है। जग्गू के घर वालों को इस बात का डर सताता रहता है कि कहीं सुखा का हलवा की तरह जग्गू की भी पुलिस कस्टडी में हत्या न हो जाए। दोस्तों, इसके बाद चौथे नंबर पर नाम आता है सेरा खुब्बन का। यह स्कूल के दिनों में हैमर थ्रो का डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल का खिलाड़ी था। इसके घर वाले चाहते थे कि यह नेशनल लेवल पर खेले, इसलिए उन्होंने इसका दाखिला लुधियाना स्पोर्ट्स एकेडमी में करा दिया। पर जिस दिन जालंधर में सिलेक्शन के लिए ट्रायल चल रहा था, उसी दिन शाम 4 बजे 10-15 लड़के आकर इसके गले पड़ने लगे और इसे मारा भी। इसमें सेरा को काफी चोट आई और वह ट्रायल से बाहर हो गया। इसके बाद इसके दोस्त चंडीगढ़ से आकर उन लड़कों की पिटाई की जिन्होंने सेरा को मारा था। बस यही वह दिन था जब सेरा अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपराध करने लगा। कॉलेज के दौरान ही जब एक केस में इसे जेल जाना पड़ा था, तभी जेल में इसकी मुलाकात जसविंदर सिंह रॉकी से हुई। इसके बाद जेल जाना इसके लिए आम बात हो गई थी। सेरा और रॉकी की दोस्ती बहुत दिनों तक चली, किंतु सेरा द्वारा हैप्पी देवरा का कत्ल करने के बाद सेरा और रॉकी एक दूसरे के दुश्मन बन गए। हैप्पी देवरा को गोली मारने के बाद सेरा गैंगस्टर की दुनिया का एक बड़ा नाम बन गया था, पर आखिरकार पंजाब पुलिस द्वारा भतिंडा में किए गए एक एनकाउंटर में सेरा को मार गिराया गया। दोस्तों, इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर नाम आता है जयपाल भुल्लर का। यह भी हैमर थ्रो का नेशनल लेवल का प्लेयर था, पर एक बार जुर्म की दुनिया में उतर जाने के बाद इसने 40 से भी ज्यादा आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे दिया। इसने सेरा और विकी गोंडर के साथ मिलकर कई गुनाहों को अंजाम दिया था। पंजाब पुलिस में जयपाल के खिलाफ 50 केस दर्ज हैं, जिसमें होशियारपुर गन हाउस डकैती, मोहाली पंचकूला तथा कोटा में बैंक डकैतियां, सुखा कालवा की हत्या और सुखदेव सिंह की हत्या शामिल है। इसका ड्रग रैकेट में भी कनेक्शन था। कुख्यात गैंगस्टर जसविंदर सिंह रॉकी की हत्या के बाद गैंगस्टर लोगों में फेसबुक पर शुरू हुई जिम्मेदारी लेने की चर्चाओं को उस समय विराम लग गया जब कुख्यात गैंगस्टर और गैर सरगना जयपाल भुल्लर ने अपनी फेसबुक पोस्ट अपडेट कर इस हत्या की जिम्मेदारी ले ली। दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब के टॉप गैंगस्टर में सिर्फ जयपाल भुल्लर ही इकलौता ऐसा गैंगस्टर है जिसे अभी पंजाब पुलिस पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाई है। फिलहाल अभी जयपाल भुल्लर फरार चल रहा है। दोस्तों, इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है विकी गोंडर का। यह बचपन में अपने गांव का स्टार था। इसके परिवार और गांव के लोग इस पर गर्व करते थे क्योंकि यह नेशनल लेवल का प्लेयर था और इसने कई मेडल जीते थे। लेकिन जब इसने अपराध की दुनिया में कदम रखा तो परिवार और गांव वालों ने इससे रिश्ता तोड़ लिया। यह हाईवे डकैत के तौर पर काफी फेमस था। जनवरी 2015 में गैंगस्टर सुखा कालवा के मर्डर के बाद यह सुर्खियों में आ गया। दिसंबर 2015 में पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर रोपड़ जेल में डाल दिया। बाद में इसे नाभा जेल शिफ्ट कर दिया गया था।
नवंबर 2016 में हुए नाभा जेल ब्रेक में यह गुरप्रीत सेखो, नीटा देओल और हरमिंदर सिंह सहित फरार हो गया था। जेल से फरार होने के बाद इसने अपने कई दुश्मनों को खत्म कर दिया। पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई थी और इस पर 10 लाख रुपए इनाम की घोषणा भी कर दी गई थी। अंततः 26 जनवरी 2018 की शाम पंजाब पुलिस के काउंटर इंटेलिजेंस ने अबोहर के नज़दीक किए एक एनकाउंटर में विकी गोंडर और उसके साथी प्रेमा लाहौरिया को मौत के घाट उतार दिया था। दोस्तों, इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाम आता है सुखा कहलवा का। इस पर 50 से भी ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे, जिसमें 2 हत्या, 7 हत्या के प्रयास और 8 लूट के मामले शामिल थे। यह 2 बार पुलिस को चकमा देकर पुलिस हिरासत से फरार हो चुका था। आपको बता दें कि इसकी हत्या सुपारी देकर कराई गई थी। सुपारी देने वाला सोनू बाबा था। दरअसल सोनू बाबा सुखा गैंग द्वारा कत्ल किए गए लवली बाबा का जिगरी यार था। पुलिस द्वारा सोनू बाबा को हिरासत में लिए जाने के बाद उसने इस बात को स्वीकार किया कि सुखा के मर्डर की साजिश उसी ने रची थी। इस साजिश में सुखा के जानी दुश्मन विकी गोंडर और प्रेमा लाहौरिया ने उसका साथ दिया था। 21 जनवरी 2015 को पुलिस की मौजूदगी में 15 से 20 हमलावरों ने सुखा पर 60 से ज्यादा गोलियां दाग कर उसकी निर्मम हत्या कर दी थी। उस दिन पंजाब पुलिस सुखा को नाभा जेल से जालंधर पेशी पर लेकर गई थी। पेशी भुगतने के बाद सुखा को वापस नाभा जेल ले जाया जा रहा था। तभी फगवाड़ा के जमालपुर गांव के करीब 2 फॉर्चूनर कार ने पुलिस वैन को घेर लिया। बदमाशों ने पुलिस वालों को बंदूक की नोक पर लिया और उनके हथियार छीन लिए। इसके बाद बदमाशों ने सुखा पर एक के बाद एक करके 60 से अधिक फायर दागे। इससे सुखा की मौके पर ही मौत हो गई थी। दोस्तों, तो ये थे पंजाब के टॉप 10 गैंगस्टर। अगली वीडियो आप किस पर चाहते हो नीचे कमेंट करके बताओ। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।